ये है जी चश्मशाही गार्डन, आ गए हैं हम लोग, जरा अंदर से देखते हैं कैसा है। भाई चश्मशाही जो गार्डन है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, पहले तो नीचे से ऊपर तक चढ़े, उसमें ही हमें जो है 15 मिनट लग गए। कहने को ऑटो से आए थे हम लोग, बीच में चेकिंग वेकिंग हुई हमारी, और यहाँ से आने के बाद भी काफ़ी ऊपर हमें चढ़ना पड़ रहा है। अब देखते हैं अंदर से कैसा है। ये है जी हाइट पे चढ़ गए हैं, नीचे दुकानें हैं और इधर की तरफ पहाड़। ये है जी चश्मा, और चश्मे इसी के नाम पे शायद चश्मेशाही नाम पड़ा भाई इसका। तो मामा कैसा लगा आपको ये? ये थोड़ा शांत एरिया है, यहाँ पे लोग कम आते हैं इसका मतलब है ना, लेकिन बाग ये भी अच्छा है। चलिए ऊपर चलते हैं, ये रहा इधर से रास्ता। जो रौनक हमें निषाद गार्डन और शालीमार गार्डन में लगी वो यहाँ नहीं है, यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं। इसके दो ही रीज़न है, एक तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्लस थोड़ा हटके हो गया है पहाड़ी की तरफ, और बीच में पुलिस वाले चेकिंग वगैरह करते हैं, ये भी एक रीज़न है, तो कम ही लोग आते हैं और पैदल आना पड़ता है काफ़ी दूर तक आपको, तो इस वजह से इस जगह पर कम लोग आते हैं। लेकिन खूबसूरत है बहुत ही, आपको मज़ा आएगा। और जब कश्मीर घूमने आए तो भैया किस बात का डर, जब इतनी हाइट पे आ गए हैं कश्मीर घूमने तो यहाँ भी आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए आप, ये है जी चश्मशाही गार्डन, खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। ये देखिए आप सामने, लेकिन ये छोटा बगीचा है बहुत। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन, वो पीछे आप देख रहे हैं सामने डल लेक, और एक से एक शानदार फूल खिला हुआ है भाई चश्मे शाही के अंदर। और ये कोई होटल है शायद पीछे की तरफ, नहीं कोई गवर्नमेंट एरिया है। और ये देखिए गुलाब के फूल, एक से एक ज़बरदस्त फूल खिला हुआ है जी गुलाब का। थक गए मामा हैं? लेकिन ये गार्डन छोटा है निषाद गार्डन के मुकाबले में, लेकिन अच्छा है। यहाँ पे जो गुलाब की वैरायटीज़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको दिखाऊंगा। और हाइट पे होने की वजह से थोड़ा ठंडा भी लग रहा है, यहाँ आके पेड़ के नीचे बैठे हैं हम। ये पेड़ है, ये देखिए आप पहचानिए, मोहब्बत मूवी में देखा होगा आपने, और यही है जी चिनार का पेड़। ये चिनार के जो पेड़ है ना वो बहुत लंबे चौड़े और मोटे मोटे होते हैं, ये देखिए आप। और एक फ्रूट सा भी लगा हुआ है जहरीला टाइप का, कुछ खा मत लेना भाई, फ्रूट नहीं है ये, कुछ और ही है। ये देखिए दोस्तों कितने शानदार गुलाब के फूल खिले हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है ये भी। ये है भाई इसके नाम पे पड़ा है, इसका नाम चश्मशाही चश्मा है। ये दिखाता हूँ आपको अंदर से, ये देखो कुदरती पानी निकलता रहता है इसमें से। इसमें से कुदरती पानी निकल रहा है और ये पहाड़ों का पानी है दोस्तों। उर्दू में झरने को बोलते हैं चश्मा, और इसी चश्मे की वजह से इसका नाम पड़ा है चश्मशाही गार्डन। अब हम लोग चलते हैं गुलाबों वाले गार्डन में, नीचे गुलाब का गार्डन है। धूप बहुत ही तेज है चिलचिलाती हुई, लेकिन गार्डन में आके दिल खुश हो गया है। अब जरा मैं आपको गुलाबों वाला शानदार गार्डन दिखाता हूँ। यहाँ पे दो गार्डन है गुलाबों वाले, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। ये देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं आप इन गार्डन्स के बारे में, फूल खिले गुलशन गुलशन।
ये देखिए दोस्तों क्या शानदार नज़ारा है, गुलाबों के बीच में अगर फोटो खिंचाए इंसान तो दिल खुश हो जाए 4-5 साल के लिए। थक गए मामा? नींद आ गई भैया अब तो। नींद आ रही है, सो जाओ यहीं। तो दोस्तों चश्मशाही गार्डन मैंने आपको पूरा घुमा दिया है घर बैठे बैठे। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और कोशिश रहेगी मंथ में एक बार कहीं घूमने के लिए जाएं और आपको अच्छी अच्छी लोकेशन घुमाएं, अच्छे अच्छे होटल दिखाएं। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मामा ये वाला जो गार्डन है कैसा लगा आपको? बेहतरीन लगा जी, बहुत बेहतरीन, बढ़िया है। हाँ। यहाँ आना चाहिए इसको। जो निषाद गार्डन है वो थोड़ा बड़ा है ना? हाँ जी। हाँ, इसका डबल है निषाद गार्डन। हाँ, ये थोड़ा छोटा है लेकिन यहाँ तक आना है बेहतरीन बेहतरीन है, लेकिन यहाँ तक आना थोड़ा सा जोर पड़ता है।